हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट की जूस। आज ये जूस बनाने की यही मकसद है क्योंकि अभी ये बीट रूट की सीज़न चल रहा है तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। भी जानते होंगे कि ये जो बीट रूट की जूस होती है वो स्किन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। पहले तो हम बीट रूट को अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और उसके बाद उसको पीलर की मदद से इस तरह अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे और फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इससे भी छोटा पीस में काट सकते हैं, जो कि इजी होगा ब्लेंड करने के लिए। अभी हमारे पास है एक मिक्सर कंटेनर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हमारे पास जो कटा हुआ बीटरूट है छोटे छोटे पीसेस वाला, उसको डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक और एक हाफ ऑफ लेमन ली हूँ मैं, जिसको मैं यहाँ पर स्क्वीज़ करके डालने वाली हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करें या ना करें पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी मैं कंटेनर में डाल रही हूँ बीटरूट की पीसेस और फिर डाल लेंगे उसमें अदरक और लेमन स्क्वीज करके डाल लेंगे। अभी ना हमें ये जार में सारा बीटरूट पीसेस डाल लेंगे और अगर हो सके ना तो फिर इससे ना थोड़ा ज़्यादा छोटा पीसेस बनाइए। ये जब इसको ब्लेंड किया ना तो थोड़ा टाइम लगा, मतलब थोड़ा ऐसे हो रहा था, फिर बीच में थोड़ा बंद करके फिर करना पड़ता था। तो फिर इस वजह से ना आप क्या करिएगा, छोटे पीसेस ही बनाइएगा। अब मैं अदरक डाल दी हूँ और फिर लेमन स्क्विच करके अभी डाल रही हूँ। अभी ना नमक डालते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ काली नमक जो कि पिंक सल्ट होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है नमक डालना तो फिर नमक बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप मत डालिए, इसके बिना भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। पर मैं यहाँ पर थोड़ी लेमन डाली हूँ जिसकी वजह से मैं नमक भी डाल दी और मुझे नमक के साथ अच्छा लगता है। और अगर आपको ब्लेंड करते वक्त थोड़ी भी परेशानी हुई ना तो आप थोड़ा सा बस पानी ऐड करके अच्छे से उसको ऐसे ब्लेंड कर दीजिए और फिर इसके बाद हम एक छन्नी की मदद से इसको, इसकी जो सारे जूस है उसको स्क्वीज कर लेंगे। जितना तो जूस निकलना था खुद से निकल गया, अभी एक चम्मच की मदद से उसको थोड़ी सी प्रेस करेंगे तो बाकी जो जूस उसमें बचा है वो भी निकल आएगा। मैं जैसे चम्मच की मदद से कर रही हूँ ना वैसे ही करना है। देखिए ये बिल्कुल एक ग्लास पूरा जूस निकला है, तो अभी इसको ऐसे छोटे छोटे ग्लास में रख के इसके ऊपर ऐसे नींबू रख के प्रेजेंट की हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आप भी बनाइए और ट्राई करके मुझे बताइए कि टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।